वाईफाई कॉलिंग या फिर वो वाईफाई। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन में वाईफाई कॉलिंग कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, और मैंने अपने फ़ोन में इस टाइम किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वाईफाई कॉलिंग क्या है। जिस तरह से वोल्टी के फीचर्स को यूज़ करके आप कहीं भी ऑडियो वीडियो कॉल करते हैं, उसी तरह से आप वाईफाई से कनेक्ट होकर आप वाईफाई कॉलिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपके मोबाइल डाटा और आपकी यहाँ पर सिम की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वाईफाई का यहाँ पर आइकन बना हुआ है और मैंने इसे एक्टिवेट भी कर दिया है। अभी हमारे कंट्री में एयरटेल और जियो, ये दो नेटवर्क प्रोवाइडर है जो कि वाईफाई कॉलिंग को सपोर्ट करता है, और आपके फ़ोन के हार्डवेयर पर भी डिपेंड करता है कि आपका फ़ोन का हार्डवेयर कितना अच्छा है। जो लेटेस्ट फ़ोन है उसके अंदर ये सारे फीचर्स अभी दिए जा रहे हैं, वाईफाई कॉलिंग सपोर्ट किया गया है, और आप लेटेस्ट अपडेट ज़रूर करें तब आपको जाकर ये वाईफाई कॉलिंग की फ़ीचर्स देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर बहुत से ऐसे डिवाइस है जिसमें यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वाईफाई कॉलिंग देखने को नहीं मिलता है। तो मेरे पास रेडमी का K20 Pro डिवाइस है और मैंने इसे लेटेस्ट अपडेट किया हुआ है। वाईफाई कॉलिंग को एक्टिवेट करने के लिए आपको सिम कार्ड के सेटिंग्स में जाना है, और नीचे आपको यूज वोल्टी का ऑप्शन देखने को मिलता है, और उसके नीचे आपको यहाँ पर वाईफाई कॉल्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, मेक कॉल्स यूजिंग वाईफाई, इस दोनों को आपको यहाँ पर एक्टिवेट करना है। जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे और उसके बाद आपको अपने किसी भी यहाँ पर वाईफाई से कनेक्ट हो जाना है। तो मैं अपना जो वाईफाई है राउटर, उसके थ्रू मैं यहाँ पर कनेक्ट हो जाता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आप किस तरह से कॉल को कर पाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर वाईफाई कॉलिंग में कॉल कैसे किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर एक नया आइकन देखने को मिल जाता है वाईफाई के साथ साथ, और वाईफाई के नीचे कॉल का बटन बनता हुआ आइकन देखने को मिल जाता है। तो जस्ट आपका वाईफाई कॉलिंग यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है। अब जैसे आप कहीं भी कॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कंप्लेन डेस्क के नीचे 198 और उसके बगल में यहाँ पर वाईफाई और उसके नीचे कॉल का आइकन बनता हुआ दिख जाता है। तो मेरे पास ये रेडमी का डिवाइस है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब मैंने वाईफाई कॉलिंग किया है तो वो वाईफाई यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है, और आप अगर नॉर्मली कॉल करेंगे तो आपको वोल्टी लिखा हुआ दिख जाएगा। जैसे ही वो वाईफाई यहाँ पर कनेक्ट होता है तो आपका वोल्टी का आइकन है वो रिमूव हो जाता है, और जब भी आप कॉल करेंगे तो कॉल के नीचे आपका ये वाईफाई के नीचे कॉल का आइकन बनता हुआ दिख जाता है। होता यह है इसमें कि आपके नेटवर्क को यूज़ ना करके ये आपके जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है या वाईफाई कनेक्शन है उसको यूज़ करके, उसके डेटा को यूज करके आपको कॉल कनेक्ट करवाता है, और वही बैलेंस यहां पर आपका कट जाता है, जिसके वजह से आपकी फोन की, आपकी सिम की कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो यहां पर आने वाले दिनों में और भी डिवाइस यहां पर ऐड किए जाएंगे वाईफाई कॉलिंग के लिए, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपका जो हार्डवेयर है वो भी कैपेबल होना चाहिए वाईफाई कॉलिंग के लिए। एडवांटेज क्या है इसके, तो ये स्टेबल एंड क्लियर कॉल्स करता है, साथ ही साथ यहां पर जो आप इंडिया के कोई भी कोने से काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। वहीं पर सपोर्टेड डिवाइस की बात करें रेडमी की, तो पोको A1, रेडमी K20, K20 प्रो, रेडमी 7, रेडमी 7A, रेडमी नोट 8 प्रो, रेडमी नोट 7 प्रो, रेडमी Y3 को भी वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और जियो के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप अपने अपने डिवाइस के लिए वाईफाई कॉलिंग के लिस्ट को आप देख सकते हैं। अलग अलग डिवाइस में आप काफ़ी आसानी से सिम कार्ड के सेटिंग में जाकर आप वाईफाई कॉलिंग के कॉलिंग को आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे एडवांटेज है वाईफाई कॉलिंग के। अगर आपके रूम में अच्छा नेटवर्क नहीं आता है आपके सिम कार्ड का, तो आप काफ़ी आसानी से उसको वाईफाई से कनेक्ट करके कहीं भी आप कॉल कर सकते हैं। अभी ये ट्रायल वर्जन है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। और दो ऐसे नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी है हमारे कंट्री में, एयरटेल और जियो, जिसके थ्रू से आप वाईफाई कॉलिंग कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा छोटा सा प्रोसेस है जिसमें आप काफ़ी आसानी से, आपके पास रेडमी का फ़ोन है, आपके पास वीवो का फ़ोन है, आपके पास यहाँ पर सैमसंग का फ़ोन है, आप सेटिंग में जाकर, सिम कार्ड सेटिंग में जाके वो वाईफाई यानी कि वाईफाई कॉलिंग को आप काफ़ी आसानी से एक्टिवेट कर सकते हैं। आप किसी भी वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं, आप वॉइस कॉल कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, आपके मोबाइल डेटा की कोई भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं होगी। जब भी यहाँ पर कनेक्ट होगा तो वोल्टी रिमूव हो जाएगा और वाईफाई का नया आइकन आपको बनता हुआ दिख जाएगा। तो आपने देखा कि बहुत सारे सपोर्टेड डिवाइस मैंने बताया जिसमें वो लिस्ट था जो कि वो वाईफाई को सपोर्ट करता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।
कोई भी क्वेश्चन हो वो वाईफाई से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं सभी को यहाँ पर रिप्लाई देने का कोशिश ज़रूर करूँगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ही अच्छा ये फीचर्स है वाईफाई कॉलिंग का, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पहले से वाईफाई कॉलिंग यूज़ कर रहे हैं तो आप कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसा लगता है ये फीचर्स। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप ऐसे ही देखते रहे हमारा चैनल रवनी इन्फोटेक।